जी मैंने एक्सप्लेन किया सर कि मुमकिन नुकसान क्या क्या होते हैं उसमें। फर्स्ट सब मैंने लिखा कि वाई प्रोजेक्ट प्रपोजल गेट रिजेक्टेड, रिजेक्ट क्यों होती है? पोअरली डिफाइंड प्रपोजल सर, प्रपोजल नॉट अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर वो अलाइंड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ तो फिर भी सर ये उसके पिटफॉल्स में जाती है। प्रोजेक्ट बेनिफिट्स नॉट क्लियरली एंड क्रेडिबिली डिफाइंड। सर ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। देखिए ना, अगर आप अपना प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं कर पाए। जी 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 देख रहे, मुझे पैसे खर्चने हैं ना सर, अगर 2-4 करोड़ रुपया मुझे अगर खर्चना है तो मैं ये समझूंगा कि भाई मैं इसको 2 करोड़ दूंगा तो ये उसको वेस्ट नहीं करेगा तो ही मैं दूंगा ना। तो मुझे इस समझ आ गई कि यार जो अपना आइडिया कागज पे प्रेजेंट नहीं कर पाया तो वो फिजिकली 2 करोड़ रुपया कैसे मैनेज करेगा। देखिए, जब आप पेपर वर्क कर रहे होते हैं और जब आप फिजिकली एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारी चीजें जो आपको अनसीन होती हैं वो उस वक्त नजर आती हैं जब आप एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो एक आदमी का पेपर को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो दूसरी बात देखिए, किसी की जेब में से पैसे निकालना इज नॉट सो इजी टास्क। यस यस सर यस। तो अगर अगर मुझे ये नजर आएगा कि यार ये चार करोड़ रुपए का काम है तो तब मैं 2 करोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2 करोड़ के गेंद 2 करोड़ दे रहा हूं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप इसमें ये कि जैसे आपकी जी जी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल अप्रेजल है जितनी ये मतलब पढ़ने में शानदार होगी, मेरा ख्याल है बिजनेस उतने ही अच्छे चांस बन जाते मिलने के। जी सर एक एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। एक 7 स्टेप है मेरा, 7 स्टेप। एडिट, प्रूफ रीड योर प्रपोजल, हेलो एक मिनट होल्ड कीजिएगा मैं आ रहा हूँ उसको। जी अलिया साहब। अच्छा सर 7 स्टेप है एक, एडिट ब्लीक जी प्रूफ कर। मुझसे समझना चाह रहे हैं आप? नहीं 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 सर, इसमें ना एक ना मैंने बुक में भी देखा है और नेट पे भी मैंने रिसर्च किया है, वो एक लफ्ज यूज कर रहा है चेक द टाइम एंड लैंग्वेज। मैंने सर लिख तो दिया है लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मैं बताता हूं। देखिए, आजकल कोरोना की वजह से कोरोना टेस्ट किट जो है जी जी वो हॉट केक है। आप मुझे ये कहते हैं कि भाई मैं आपको कोरोना किट मंगवा कर देता हूं, तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे। जी जी यस 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 यस। एक आदमी ये कहता है कि भाई मैं कोरोना किट मंगा कर देता हूँ, 2 दिन में पहुंच जाएगी। जी 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 सर बिल्कुल ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर गया सर। जो कह रहा है टाइम जो है वो टाइम भी जी। अब देखिए, मुझे सुई गैस के हीटर बनाने की फैक्ट्री लगानी है जी, और मैंने आपको कहा कि भाई इस पर काम करें। आपने मुझे जो प्रपोजल दी उसके मुताबिक नेक्स्ट
अप्रैल में कहीं जाके प्रोडक्शन आनी है जी, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा भाई, अप्रैल का मतलब है गर्मियां, यस, और उसके बाद फिर 6 महीने गर्मी, तो ये तो खर्चा पड़ेगा, मेरी तो सेल ही नहीं होगी। जबकि अगर तुमने आपने मुझे गैस हीटर बना के देना है तो फिर उसका टाइम क्या है कि आप मुझे सर्दियों से पहले पहले प्रोडक्शन देंगे? बिल्कुल सही, इट मीन सर के टाइम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्दी प्रपोजल डेवलपमेंट। टाइम इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, टाइम ही पार्ट है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें ना, अगर आप अपनी मिसाल लें कि आप तमाम लोग आपके जो इर्द गिर्द है वो कोरोना का टेस्ट 2 दिन में दे रहे हैं करके, जी जी, आप 3 दिन में करके दें तो क्या होगा? यस, कोई नहीं आएगा बंद, है ना? और अगर आप कहें जी मैं आपको विद इन 24 आवर करके देता हूं, जी जी, तो सर लैंग्वेज का क्या रोल है इसमें? लैंग्वेज का पहले इसको क्लियर कर ले, फिर आगे चलते हैं। जी जी, तो टाइम ही असल चीज है। जी सर, ठीक हो गया जी। अब सेकंड उसने कहा लैंग्वेज। अब देखिए, मुझे एक प्रपोजल भेजी आपने अरबी में बना के, चाइनीज लैंग्वेज में, मैंने तो कभी जिंदगी में ना अरबी पढ़ी ना चाइनीज पढ़ी। सही सही, एक वो ये कहना चाह रहा है। दूसरा, आपने आपके वो अल्फाज जो आपने यूज किए मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको बैठ के पहले तो 2 घंटे पढ़ू, फिर तो मैं आप देखते ना क्लास में पर जब किया जाता है तो बच्चे क्यों भागते हैं? लैंग्वेज प्रॉब्लम कि उसको है ना, तो पैसे लगाने उसके पास इतना टाइम नहीं है। आप लैंग्वेज ऐसे यूज करें, एक तो क्लियर समझ और उसको अंडरस्टैंडेबल हो उसके लिए। आप कहना चाह रहे हैं मैं उसको उसी तरह ही समझ आए जी, ठीक, मैं बात करता जिस तरह समझना चाह रहा है उस तरह ही उसको। सर टाइम की मेरे पास एक एग्जांपल है कि हम बाज ना, ये चुगताई लैब है शौकत खानम, इनके कलेक्शन सेंटर है, लोग जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना तो वो टाइम देते हैं कि आप 3 दिन बाद आके रिपोर्ट ले लेना, हमारे पास आते हैं तो हम मतलब आधे घंटे में घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। बिल्कुल ठीक, जो टाइम बड़ा जरूरी होता है, टाइम मेंशन करना। पेशेंट कहता है यार मैं 3 दिन इंतजार करूंगा, नहीं यार मैंने नहीं कराना, मैं उधर से चलता हूँ, तो वो अब डिलीवरी चाहता है कि 1 घंटे में हमें रिपोर्ट मिल जाए ताकि हम डॉक्टर को चेक करवा के वापस घर जा सकें। करवा लें जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लियर जी। और कुछ जी? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा जबरदस्त रहा अलिया साहब। और कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हो जी आज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं अभी कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। जी जी, क्या सर? मेरा टॉपिक था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। अच्छा जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने प्रेजेंटेशन बनाई है आपने? सर मेरे पास वो स्लाइड्स फॉर्म में नहीं है, मैंने वैसे एक पेज पे लिखी हुई है और मैं ना इस वक्त सफर में हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, घर जाके स्लाइड आपको सेंड कर दूँ। फिजूल बातें करके मुझे खामखा गुस्सा ना चढ़ा, तू कल से सफर में है तो फिर सफर थी रहा। अब बेटा मेरे चक्कर में ना, मेरे बच्चे मेरे तो बड़े हैं, ए बेवकूफ जाके मां नु बनाई दा।